నమస్కారం, నా పేరు సంధ్యారాణి, 4K న్యూస్ కి స్వాగతం. అసద్ ఖాను హత్య చేసిన నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం మైలార్ దేవపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఇండియా గార్డెన్ ముందు అసద్ ఖాను ఆరుగురు కలిసి హత్య చేశారు. వెంటనే ఘటనా స్థలం నుండి వారు పారిపోయారు. ఈ రోజు శంషాబాద్ డీసీపీ ఒక ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసి అసద్ ఖాను హత్య చేసిన ఆరుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు. ఇందులో A1 గా యాసిన్ ఖాన్, A2 గా మహమ్మద్ అద్నాన్, A3 గా అబ్దుల్ అలీ, A4 గా మహమ్మద్ మహబూబ్, A5 గా మహమ్మద్ సద్దాం, A6 గా మహమ్మద్ షోయబ్. ఈ ఆరుగురు వట్టేపల్లికి చెందినవారు. 4K న్యూస్ హైదరాబాద్. దేవపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ మే పర్సు జో అసద్ ఖాన్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ తిగల్ గుంటా జహ్నుమా కా మర్డర్ హువా తా, ఉస్మే 6 లోగో కో అరెస్ట్ కియా హై, ఔర్ ఉస్మే ఏక్ చోటా బచ్చా భీ హై. పూరా 7 లోగ్ మిల్కే ఉన్కా మర్డర్ కియా తా. उसमें A1 यासिन खान, सन ऑफ अमजद खान, रेजिडेंट ऑफ शफी कॉलोनी वट्टेपल्ली, दूसरा मोहम्मद अदनान, तीसरा अब्दुल अली, तीसरा चौथा मोहम्मद महबूब, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद शोएब और एक छोटा बच्चा, सभी मिलके मर्डर किया था. इसमें 2018 में सितंबर 22 को जो A1 है यासिन खान, उनका पापा को अमजद खान को ये जो परसों मर गया था असद खान, उन्होंने मिला के पूरे 5 लोग मिलके उनको मर्डर करवाया था. वो सिलसिले में 3 साल से ये जो यासिन खान है, जो 2018 में अमजद खान का बेटा है, वो 3 साल से इनके ऊपर रिवेंज लेने के लिए प्लान कर रहा था. अभी 2 दिन पहले से इनका दोस्त मिलके ये जो अब्दुल अली, अदनान और वो छोटा बच्चा जुवेनाइल जो है, वो तीनों इनका रिलेटिव्स है और बाकी इनका दोस्त है, ये सब मिलके प्लान किया है. क्योंकि 2018 में जो अभी ये मर गया असद खान है, उनका बेटी को जो अमजद खान है उनका बेटा का शादी हुआ था 2016 में. उसके बाद वो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है और दोनों डिवोर्स लिया है, खुला ले लिया है. उसके बाद से वो दोनों फैमिली के बीच में झगड़ा चल रहा है. वो दिमाग में रख के 2018 में असद खान ने प्लान करके अमजद खान को मर्डर करवाया था. अभी अमजद खान का बेटा यासिन खान वो माइंड में रख के उन्होंने भी परसों ये मर्डर किया था. इसमें पहले 31 मार्च को एक बार अटेम्प्ट किया था, एक ऑटो किराए में लेकर 300 रुपये के लिए घर पर फंक्शन है बोल के एक ऑटो को लेकर 7 लोग ट्राई किया था, पर उस दिन बहुत लोग था तो इसलिए वो नहीं किया है. और परसों उनके पास पूरा इन्फॉर्मेशन था कि वो जवनामा से कितने बजे निकल रहे घर से, क्योंकि इन्होंने जो यासिन खान था वो 2018 से पहले 2 साल उनकी यूनिक के घर में रहे थे, तो उनको पूरा इन्फॉर्मेशन था. तो उसके हिसाब से उन्होंने प्लान करके परसों जब वो आ रहा था लगभग दो बजे उनको एक्सीडेंट करके वो गिर जाने के बाद सातों मिलके उनके ऊपर हमला करके उनके शॉप था कारपेंटर का, उधर से जो चाकू वगैरह लेकर आया था, सिकिल वगैरह लेकर आके उसको अटैक किया है. उसके बाद वो सभी मिलके संगारेड्डी मेडचल के तरफ जाके फिर आज मैलार देवरपल्ली में सभी पकड़ में आया और सबको अरेस्ट कर रहे हैं. इसमें जो मर गया असद खान, उसके ऊपर पहले भी ऐसे भी राउडी शीटर था और पीडियाट भी था, और जो इसमें अक्यूज्ड है उसमें 2 लोगों के ऊपर ऑलरेडी राउडी शीटर है, एक मोहम्मद अदनान और अब्दुल अली, ये दोनों के ऊपर पहले से भी राउडी शीटर है. और मैं पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ये जो राउडी शीटर है वो ज़्यादा बाहर नहीं घूमना है, और पीडी एक्ट में डाल रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं, कॉर्नेंसच ऑपरेशन भी कर रहे हैं, और आगे से भी बहदुरपुरा फलकनामा और काले पत्थर के पुलिस के साथ मिलके हम ये देखते हैं कि ये राउडी शीटर का एक्टिविटीज़ कम करने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं. सर, आए दिन शमशाबाद जोन में जो है दिन दहाड़े पब्लिक के बीच में मर्डर हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या है सर? क्या फ्रेंडली पुलिस इसका रीज़न है?
इसमें ये मर्डर स्पेशली ये जो मर्डर हुआ है असद खान का, ये तो प्योरली फैमिली रिवेंज है, फैमिली डिस्प्यूट है। और उनका पापा को 2018 में मार दिया बोल के उन्होंने ग्रज रख के अभी ये किया है। और इनसे बात कर से यही भी पता चल रहा है कि ये पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल होने के चक्कर में भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जो भी पिछले केसेस में है, राउडी शीटर से वगैरह है, नहीं तो मर्डर केस में विक्टिम से अक्यूज है, सबको बुला के उसको भी काउंसलिंग करेंगे कि आगे से ऐसे कुछ उनके ऊपर कंप्लेंट है तो पुलिस को ही देना है, पर खुद लॉ को हैंड्स में नहीं लेना है बोल के सबको हम काउंसलिंग करेंगे। और हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी ऐसा वायरल हो रहा है वो ज़्यादा तक पब्लिसाइज ना करें, ताकि वायलेंस छोटे बच्चे वगैरह नहीं देखने के लिए, वायरल ना करने के लिए हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, उस वीडियो से हम बोल रहे हैं कि उसको वायरल ना करें, क्योंकि बच्चे भी देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह में, तो जो सेंसिटिव वीडियोस है, वायलेंट कंटेंट है, उसको आप वायरल ना करने के लिए हम सबको रिक्वेस्ट करें। एक तो ये थी जो अब्दुल अली, ये दोनों 2019 में हार्मसाइड केस और 307 केस में शामिल थे, उसके ऊपर बॉडी शीट बालादेवपल्ली पीएस में ओपन किया था। ये दोनों भी यासीन खान के रिश्तेदार है, और बाकी तीन जो है उनका दोस्त है, तो सब मिल के एक किया था।